कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन के बाद पार्टी के एक और पूर्व विधायक पर भगवा रंग चढ़ गया है। संथाल परगना के बोरिया से निर्वाचित लोबिन हेमरम ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया। रांची के बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड बीजेपी कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोबिन हेमरम का स्वागत किया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी ने लोबिन हेमरम को माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर चंपई सोरेन, मधु कोड़ा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी उन्हें बीजेपी का पट्टा पहनाया। लोबिन हेमरम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और संथाल परगना के लोकप्रिय नेता हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सुनिए, बीजेपी का दामन थामने के बाद लोबिन हेमरम ने क्या कुछ कहा। और इस अवसर पर हमारी उपस्थित हमारे साथ उपस्थित गायक विपक्ष के मौरी सर, आज का ये दिन क्यों है आप सभी लोग जानते हैं। हम बचपन से लेकर के 2024 तक शुरू से सजाने का सवारने का काम हमने किया है और आज तक हमने बड़ा ईमानदारी और वफादारी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में मेरा भरपूर सहयोग और आज हम उसका आज भी भक्त है और बराबर उन्होंने यही कहा कि जहां गलत होगा वहां विरोध करना है, चाहे जहां भी हो। हम लोगों ने शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था और इस दरमियान बहुत सरकारी बनी, लेकिन हमारे गुरु जी का शिबू सोरेन का जो स्थिति है आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया था और उसका चुनावी, लेकिन माननीय गुरु जी शिबू सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था आज वो नहीं, वो धनुष में जो दम था आज वो धनुष में दम नहीं। जो हर तबके के हर मजहब के लोगों को वो प्रेरणा देते रहे कि शराब से दूर रहा करो और ये झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार में मैंने इसका भरता विरोध किया सदन के अंदर में कि आज आप माननीय गुरु जी के बेटे हो और गुरु जी यहाँ के लोगों को नसीहत देते हैं शराब से दूर रहने का, लेकिन आप सरकार के राजनीति ठीक हो इसका विरोध होगा पहले उसका भी। तो आज आप सभी लोग जान रहे हैं ये झारखंड प्रदेश में आपका साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला, यहाँ का डेमोग्राफी नहीं लिया और एक तरफ से आप समझते हैं ये सरकार बाहर के लोगों का को एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट निवासी लोग करते हैं
और बांग्लादेशी घुसपैठी लोग सीधे बाल पीठ पर उतारे हो जाते हैं। आप लोग आए लथर का उदाहरण आप लोगों को सामने, महिलाओं को पीटा गया, सिर फोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज तक उस पर तैयार भी नहीं। तो आज वो भी नहीं रहे और इसीलिए आज यहां बांग्लादेशी घुसपैठ भी आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथियार है और चाहे पंचायत में मुखिया का पद हो, मुखिया बन रही स्थिति में हमने ये सोचा कि आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संभरने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है और इसलिए हमने हमारे देश की प्रधानमंत्री का झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासियों को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो राजधानी में इनका ड्रेन कराना चाहिए, तो आज बोरियो से विधायक रहे, आप सबको पता ही है कितना बार रहे हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके लिए पहले तो इनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि इस योगदान के समारोह में जो झारखंड प्रदेश के चुनाव की असम प्रभारी है और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सब लोग देखते होंगे कि हम लोग जितना मैंने घूमते हुए सर वहां छोड़ करके और झारखंड प्रदेश में हम सब लोगों के लिए जो समय दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रंग आप सब लोग देख करके धीरे धीरे किला जिसको बोलते हैं झारखंड की वो बदल रहा है। अभी कल श्री चप्पा ज्वाइन किए तो बड़ी दलबल के साथ और आज लोरियन हेमराम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही लोकसभा चुनाव के तौर पर श्रीमति यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, वहीं से ही लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन के सफर को लोगों ने शुरू किया। अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मुकाम तक पहुंचे तो उसमें से इन लोगों का जिसको कहते हैं ना कि मेहनत पसीना परिश्रम के कारण ही हुआ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई इतने पुराने से पुराने लोग और उम्र के इस पड़ाव में भी अगर दल लोग छोड़ गए हैं, विधायक थे से बताया कि भाई झारखंड के विकास के यहाँ के जो आदिवासी है मूलवासी है झारखंड ही है, तरक्की होगा प्रगति होगा और इस उद्देश्य को लेकर के जब काम किए सरकार भी लोगों ने बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो लाभ नहीं मिला, लाभ तो उन लोगों का आप मिलने लगा जिन लोगों का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, झारखंड के लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि झारखंड वासियों से भी उन लोगों का कोई नहीं आदिवासी है, तो फिर उनके अंदर में तड़प होगी और वो तड़प होगी तो फिर झारखंड को कहां से हम प्राप्त करके कैसे हम बेहतर कर सकते उसके राह भी लोग तलाशते हैं। और आज मुझे खुशी है इन सबों का स्वागत करते हुए कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहचाना कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अब याद करिए कमिटमेंट का क्या कमिटमेंट का स्तर होता है या मजबूत होता है इरादा। 98 में सरकार बनी 13 महीनों के लिए, उस समय भी बिल पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई, उसमें बड़ा चीड़फाड़ हुआ क्योंकि हमने भारत सरकार पार्लियामेंट में थे, एमपी मंत्री थे उस समय, और 99 में सरकार गिर गई 13 महीनों के बाद, उस समय बिल पेश नहीं हो पाया ठीक से और पास भी नहीं हुआ, तो फिर
99 में सरकार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को आते आते अलग झारखंड राज्य बन गया। जरा सोचिए 98 के मई में सरकार बनती है और 99 और 2000 मैंने 2.5 साल होते होते अलग झारखंड राज्य बन गया। तो हमने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट है, ये नेताओं की प्रतिबद्धता है, नहीं जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो अच्छा है लगा कि भाई इन लोगों ने भी इस बात को समझा और पार्टी में योगदान किया। और आदिवासी मंत्रालय आज आप देख रहे हैं भारत सरकार में, वो भी किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग किया कि आदिवासियों की समस्या अलग प्रकार से होती है, उसके लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, वो भी बीजेपी की सरकार है, अटल जी ने। फिर अटल जी की सरकार ने आप कहते संथाली भाषा को, यानी देश में तो ऐसी कई जातियां हैं, आदिवासियों में 700 करीब जातियां हैं, 10.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक मेजर ग्रुप को अपने तीसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ी आबादी संथालों की है, अपनी भाषा भी है, उस संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया किसी ने, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय के सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में मनाने का। और फिर उसके साथ साथ आज भी देश के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक अगर जगह किसी को किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और तो और आज देश के सर्वोच्च पद पर यानी देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिला, वो भी संथाल मत में से समूह से, झारखंड में तो वो राज्यपाल भी थी, महामहिम भी थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को सम्मानित किया। तो ऐसे अनेकों चीजों की हम उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि भाई जो लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विरोधी है, तो आदिवासियों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले नरेंद्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर नरेंद्र मोदी जी ने, भारत का एक बहुत बड़ा प्रदेश बने और साथ में झारखंड घुसपैठी से मुक्त। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड आंदोलन का सबसे जो बड़े नाम होते थे, धीरे धीरे सब लोग बीजेपी में आपको दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के लिए हमारा जो प्रतिबद्धता है, झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का जो हमारा प्रयास है, हम लोग शुरू किया था 3 महीना पहले, आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं, ये एक नैरेटिव बन चुका है, लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है और काफी काम आगे बढ़ा है। तो हमारा लक्ष्य झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना और झारखंड को सौतरफा विकास का नया रास्ता में ले लेना। सर एक सवाल मैंने आप तो जिस तरह से लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से बाबूलाल जी भी बोल रहे थे, महीना है चुनाव, तो अगर इस तरह से हर बार आइएगा जेएमएम का दूध वो विकेट गिराइएगा तो चुनाव तक तो जेएमएम बीजेपी हो गया। देखिए जेएमएम और बीजेपी एक साथ होना से समस्या घुसपैठियों का है, समस्या झारखंड का है, तो हम जेएमएम को भी साथ देंगे, आप भी आइए और तुष्टिकरण का राजनीति को छोड़ के झारखंड का लोगों का साथ खड़ा हो जाइए। डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है, इसका परिणाम खाली बीजेपी को भुगतना नहीं है, ये जेएमएम को भी भुगतना है और पूरा झारखंडियों को भुगतना है। तो इसीलिए ये आंदोलन में हम कोई जेएमएम को अलग नहीं समझते, वो भी है वो भी है, वो इश्यू को डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा विनम्र निवेदन होते हैं, देखिए इस इश्यू को डाइल्यूट मत कीजिए, संथाल परगना में जो हो रहा है
वो हर जगह में होगा, तो इसलिए हम किसी को ये आंदोलन में किसी को हम बाहर नहीं रखना चाहूंगा। हम हमारा तो उम्मीद है धीरे 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 तमाम जे एम एम करने का क्या जरूरत, राष्ट्र प्रथम है झारखंड प्रथम है। अगर झारखंड का घुसपैठियों को निकालने के लिए बीजेपी को चुनाव ही नहीं लड़ना है, वो भी हमारा मंत्री है, हम कोई चुनाव के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ, हम हमारे लिए राष्ट्र प्रथम झारखंड प्रथम, यही हमारे मुद्दा। मुख्यमंत्री जी फिर तो ये बात हो जाएगी ना, अभी तक तो आप कह रहे हैं कि जेएमएम जो है दलालों की पार्टी है, भ्रष्टाचारी है, अखबार भी फैलाए हुए हैं कि आइए हम आपसे मिल लेंगे, तो उस समय फिर ये दलाल और भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका क्या होगा? देखिए जब आप अपील करता है कोई इशू को भी जरूरत नहीं, ठीक है एकदम रविदास से ही आज आपको सवाल पूछना चाहिए। राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायक ने रूल कमिटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करते हैं। और कल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया, और हमारे 25 मुसलमान, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिपेक्ष में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया 3.5 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को नहीं करेगा, और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझे ना। तो इसीलिए जो लोग उसको हिदायत दे रहा है मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा।